फिल्म की शुरुआत जेना और उसके प्रेमी से होती है जो अपने परिवार के साथ डिनर करने के बाद घर लौटते हैं हालांकि रास्ते में वे एक घातक कार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जेना मामूली चोटों के साथ बच जाती है लेकिन उसका प्रेमी इतना भाग्यशाली नहीं है वह मौके पर ही मर जाता है जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है तीन साल बाद काटे जेना अभी भी अपने नुकसान से उभर रही है उसने किसी को डेट भी नहीं किया इस डर से कि वह उन्हें फिर से खो देगी एक दिन जेना की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त रेनी ने उसे झील के किनारे एक केबिन में समय बिताने के लिए आमंत्रित किया वह निमंत्रण स्वीकार करती है और रेनी और उसके प्रेमी माइकल के साथ स्पीड बॉट पर केबिन में जाती है उनके साथ माइकल का दोस्त यान भी शामिल है जिसके चाचा केबिन के मालिक हैं समूह अंततः तक केबिन में पहुंचता है और यान के चाचा वेड से मिलता है बाद वाले ने स्वागत पे के रूप में कुछ शॉर्ट्स तैयार किए हैं हर कोई उन्हें एक झटके में निकल जाता है लेकिन जेना विनम्रता से मना कर देती है और अपनी दवा लेने के लिए अंदर चली जाती है उस रात रात्रि भोज के दौरान वेड ने समूह को एक स्थानीय उत्सव के बारे में बताया और बताया कि उसने उनके लिए टिकट सुरक्षित कर लिए हैं फिर वह यान और उसके दोस्तों का वहां आने और अच्छा समय बिताने के लिए स्वागत करता है बाद में जब जेना वेड के कुत्ते के साथ खेलने के लिए बाहर जाती है तो वह उसे माइकल को गले लगाते हुए देखती है